असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर का एक अपना ही धार्मिक महत्व है। अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट के टूर पर हैं और आप कामाख्या मंदिर नहीं घूमे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं इस मंदिर के बारे में जो कोई नहीं जानता। लेकिन ये बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और भी जानकारियां आपको मिलती रहें। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित गुवाहाटी शहर प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर पूर्वोत्तर शहर की विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आप अलग अलग धर्मों, जातियों, नस्लों को एक साथ रहते हुए देख सकते हैं। वैसे तो इस शहर में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है और यह शहर पर्यटन स्थलों में से एक है, परंतु अगर आपने यहाँ पर फेमस कामाख्या मंदिर नहीं देखा और उसके दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का मुख्य आकर्षित केंद्र है। यह गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाले नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है यह मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। आपको इस मंदिर में कामाख्या देवी के अलावा काली माता के 10 अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मंदिर को इतना रहस्यमय और अद्भुत क्यों कहा जाता है। नंबर एक, प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है गीला वस्त्र, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। नंबर दो, हिंदू धर्म के अनुसार यह 51 हिंदू पीठों में से एक है और यह सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में एक होती है। नंबर तीन, इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी पीठ ही कोई मूर्ति नहीं है, आपको बस मंदिर में योनि जैसी संरचना दिखेगी। इस योनि को देवी शक्ति की योनि के रूप में पूजा जाता है। नंबर चार, कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें से जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों को मान्यता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। और अब है नंबर पाँच, देवी के मासिक चक्र के समय पर यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और यहाँ आने जाने वाले भक्तों को ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को बांट दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जिसे बिहार के राजा नर नारायण द्वारा दोबारा बनाया गया था। नंबर छह, इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी को मंदिर के पंडितों द्वारा सिंदूर डालकर लाल किया जाता है, जिस वजह से यहाँ के पानी का रंग लाल नजर आता है। नंबर सात, यह मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है और यह बताता है कि स्त्री ही ब्रह्मांड की जननी है और हमें उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ अनसुने राज। क्या आपने कभी पहले इस मंदिर के बारे में सुना था? हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।